कन्नड़ एक्टर सूरज कुमार उर्फ ध्रुवण सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में उनका दाहिना पैर बुरी तरह घायल हो गया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक्टर को जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। सूरज ने वर्ष 2019 में फिल्मों में डेब्यू किया था। वह डायरेक्टर रवि कोवी की फिल्म में नजर आए थे। अभी वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने में लगे थे कि उनके साथ यह बड़ा हादसा हो गया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान भी हादसे का शिकार हुई थी। बताया जाता है कि एक वक्त में वह संजय खान के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर एक दिन संजय ने गुस्से में आकर जीनत के साथ मारपीट कर दी, जिससे उनकी आँख में चोट लग गई और उनकी एक आंख खराब हो गई। उसका असर उनके करियर पर पड़ा और उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। फिल्म परदेश से अपने करियर की शुरुआत करने वाली महिमा चौधरी की कार को एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में गाड़ी के शीशे के टुकड़े उनके चेहरे में घुस गए थे, जिसकी वजह से उनका पूरा चेहरा खराब हो गया था। हादसे के बाद महिमा ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। अनु अग्रवाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म आशिकी से की थी। इस फिल्म के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, मगर 1999 में एक पार्टी से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई। 29 दिनों बाद जब उनको होश आया तो उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी। लंबे समय तक चले इलाज के बाद उनकी याददाश्त वापस आई, मगर तब तक उनका एक्टिंग का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। प्रसिद्ध नृत्यांगना तेलुगु फिल्म मयूरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस सुधा चंद्रन भी सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। 1991 में एक सड़क हादसे में उनका पैर जख्मी हो गया था और एक पैर काट कर हटाना पड़ा। उस समय उनकी उम्र केवल मात्र 16 वर्ष थी। हादसे में एक पैर गंवाने के बाद भी सुधा ने हार नहीं मानी और लकड़ी का पैर लगाकर 2 साल तक डांस करना जारी रखा। फिल्म माचिस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर चंद्रचूड़ सिंह ने अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। अपनी एक्टिंग के बदौलत उन्हें इतनी फिल्में मिलने लगी कि वो कई फिल्मों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वर्ष 2000 में एक सड़क हादसे में उनके कंधे में चोट लग गई, जिससे उभरने में उन्हें 10 साल से ज़्यादा वक्त लग गया। इस वजह से उनका फिल्मी करियर समाप्त हो गया। प्रसिद्ध उड़िया अभिनेत्री रेखा जैन भी सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। वर्ष 2001 में उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में रेखा की शक्ल और करियर दोनों खराब कर दिया।